26 अगस्त हफ्ते का दिन है और आज बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, मनोरंजन से भरपूर है। आज आपको जो मनोरंजन मिलेगा वो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लाल टोपी का आज जिक्र होगा, जो लोग लाल टोपी को समझते हैं। आज आपको वो एक कॉमेडी फिल्म दिखाएंगे हम, जो चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई है, और उसका जो सबसे दुनिया भर में जितने भी एनालिसिस हुए हैं, जितने भी कमेंट्स फीडबैक हुई है, इससे अच्छी फीडबैक मुझे नहीं मिली। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग क्यों महरूम रहें, आपको भी उससे हम आज लाल टोपी से मनोरंजन कराएंगे बहुत सारा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और हम आपको आज बताएंगे कि इंडिया के चांद पर पहुंचने का कोई सबूत नहीं है, सब झूठ है, एक ड्रामा है, एक बॉलीवुड की फिल्म है, CGI ग्राफिक्स हैं, और ये कौन कह रहा है? जाहिर है, इस दुनिया का सबसे अक्लमंद तरीन इंसान, जो कि जिसके पास इल्म व दानिश के दरिया बहते हैं, जो कि दुनिया की कितने ही यूनिवर्सिटीज़ में जाके चांसलर लग सकता है, जैद हामिद उर्फ लाल टोपी ने एक इंटरव्यू दिया है चंद्रयान 3 के बारे में। तो मेरी तो आंखें खुल गई हैं नाज़रीन, आपकी आंखें क्यों बंद हैं अब तक? आप भी अपनी आंखें खोलिए, सर पे लाल टोपी रूसी क्या फरमाते हैं, कमेंट्री करेंगे इस पे, हम बात करेंगे। और आज का प्रोग्राम चूँकि गाने से शुरू हुआ है, तो मैं छोटी सी एक क्लिप आपको और भी दिखाऊंगा पहले, उसके बाद जैद हामिद पाएंगे, आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ। कि लतीफ़ खोसा जो इमरान खान का केस लड़ रहे हैं, वो जज साहब के सामने गए और उनके पास जब कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं रहे तो वो आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म करके ये कह के चले गए कि मैं नहीं खेल रहा, ना खेलूँगा, ना खेलन दूँगा, ना खेडनगे, ना खेडन देंगे। और वो उसको, इतना बड़ा वकील है वो, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इतना बड़ा वकील है वो, कि बहुत किताबें पढ़ रखी हैं, कई मुकदमे लड़ लिए हैं, आईन कानून उसके बारे में पूरी मालूम हैं, और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में दिए हैं उसका मुख्तसर लुबे लुबाब समरी क्या है, वो मैं आपको रिजवान रजी दादा के इस छोटे से क्लिप से आपको दिखाऊंगा। बड़ा मज़े आने वाला है आज का वीलॉग, देखते रहिएगा। और लतीफ़ कोसा ने जज साहब के सामने क्या कहा? मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा। ये लतीफ़ खोसा साहब ने ना मसूद राणा का ये पुराना नगमा जो था वो गाया, ठीक है, मुरझाए हुए फूलों की कसम इस देश में फिर ना आऊंगा। उन्होंने कहा मैं नहीं आना, मैं नहीं खेडना ओ मैं नहीं हो जाना खेड़िया दे नाल। बड़े मजे ये इमरान खान साहब को चौड़े में मरवाएंगे और कुछ नहीं होगा नाज़रीन, चौड़े में बिल्कुल। इस तरह के वकील उन्होंने किए, ऐसा लगता है कि कोई साजिश हो रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, और उनको ऐसे ऐसे वकील दिए जा रहे हैं जो कि जजों से फड्डे ले रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, केस नहीं लड़ रहे, बंदे को अंदर करवा दिया है, बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, तोहफे ले रहे हैं, अपनी अरबों रुपये की जायदादें बना रहे हैं, और बस क्या कहिए। इमरान खान साहब सोच नहीं बदलें, मुल्क नहीं बदलें, तब्दीली नहीं लाएं, वकील तो बदल लें खुदा के वास्ते। वो कहते हैं ना एक लतीफ़ा है, मैं पूरा नहीं सुना सकता, लेकिन मंजियाँ दी तरतीब तो तुसी बदल लो यार। तो वो मंजियों की तरतीब नहीं बदलेंगे तो बलात्कार होता रहेगा। इसी तरह से नाज़रीन आते हैं, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। किसने कहा? ये हमारे जैद हामिद साहब, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, एटमी रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े तर्जुमान। मज़े की बात यह कि फ़ौज भी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, एक्नॉलेज नहीं करती, ये फ़ौज के मामे बन के पहुंच जाते हैं। इनकलाब, लाल टोपी, क्लाशनकोफ लेके हाथ में। चंद्रयान 3 के बारे में जो इन्होंने बातें की हैं वो आज आप लोगों को ज़रूर देखनी है, आंखें खोल देने वाली बातें हैं। क्या फरमाते हैं, मैं साथ साथ अपनी कमेंट्री भी करूँगा और इनकी बातें भी सुनाऊँगा। तो एक टेलीविज़न इंटरव्यू में चंद्रयान 3 के बारे में जो इन्होंने बातें की। अच्छा, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए
तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो, एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रॉलिंग नहीं करता। नुक्ता नंबर वन, मैं ट्रॉलिंग नहीं करता, मतलब कभी इन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, कभी इन्होंने ट्रोलिंग नहीं की, इनसे ज़्यादा नेक इंसान कोई नहीं। ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफ़ा भारत की मैंने की है। अच्छा मुबारकबाद दी है क्या? मैं आपको इस क्लिप को दिखा रहा हूँ, लेकिन इस क्लिप में मैं एक बात को ज़रूर नोट कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, कि जो बात ये पहले सेगमेंट में करते हैं दूसरे में उसको उसका उलट करते हैं, तीसरे में बिल्कुल उलट करते हैं, आखिर में सच पे आ जाते हैं। यानी कि चंद्रयान 3 पे नहीं पहुँचे, आखिर में क्या कहेंगे, इंडिया बहुत गरीब है, आखिर में क्या कहेंगे, ये ज़रा बड़ा देखना, इसको गौर से रखिएगा। इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुँचने पर रुसवा कर दिया आपने उनको? सी द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी विच इज़ कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है, एंड यू नो इट बेटर देन मी। कि नाज़रीन बॉलीवुड तो एक फिक्शन है, फिक्शन तो होता ही झूठ है, एक कहानी होती है, तो बॉलीवुड को नैरेटिव से मिलाना और कौन सा झूठ, इसका कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपको। किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने, हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। पावरफुल मीडिया, तो एक तो इंडिया कुछ भी नहीं है, कमज़ोर भी नहीं है, लेकिन पावरफुल मीडिया है, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं। अच्छा हिस्ट्री को कौन डिस्टॉर्ट करता है ये हम सबको पता है, सुनते रहिए बड़ा मजा आएगा आगे। सिंह की मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है। डेयर अरब भारतवासियों, कोई एविडेंस ही नहीं है तो आप किस बात की खुशियां मना रहे हो? एविडेंस चाहिए, पूरी दुनिया को छोड़ दें आप, एविडेंस चाहिए हमारे लाल टोपी वाले को कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश किया है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। मैंने आपसे कहा था ना ये कितने नॉलेजेबल, कितनी किताबें पढ़े हुए, कितने दीन के बारे में भी इनका इल्म जो है ना समंदर है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CGI, ग्राफिक्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुबहान अल्लाह। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल, वो वीडियो गेम्स में से निकाल के। यार आप लोगों ने वीडियो गेम निकाल के दिखा दी हम लोगों को, हम लोग मामू बन गए। क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी कि दे वर फेक्स। आप लोग कैसे फेक चेहरे बना लेते हो यार? मतलब वो लेडीज जो तालियां बजा रही हैं, साइंसदान, मोदी जी तालियां बजा रहे हैं, कितना फेक एक्टिंग करते हो यार, सारे बॉलीवुड है तो पूरा। हमारे नाज़रीन जैद साहब ये कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत ब्राय मुखालिफत कर रहे हैं। और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल चले 1 in a million हम मान लेते हैं चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे? क्या देखो अब 1 in a million चांद पे पहुंच भी गए, चलो मान लिया ना, मैंने आपसे क्या कहा था, पहले तो बोलेंगे मुझे तो एविडेंस चाहिए, फिर कहते हैं यार चलो मान लेते हैं अगर चांद पे पहुंच भी गए, यानी कि पहुंचे, ये आप देखिएगा, मतलब हमारे इल्म और दानिश के समंदर आज आपको जो है वो जो ज्ञान दे रहे हैं ना, सुभान अल्लाह। लेंगे 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है, पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में, मणिपुर की हालत देखिए, हिंदुओं कहाँ डिसइंटेग्रेट हो रहा है, मतलब मुझे कोई समझाएगा कि डिसइंटेग्रेट होता है तो दुनिया में खबरें आती हैं, हमें पता चलता है, छोटी मोटी मामलात एक मोहल्ले में इधर कुछ हो गया, इधर मोहल्ले में कुछ हो गया, तो वो क्या डेयर अरब के मुल्क डिसइंटेग्रेट हो रहा है यार? क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की ज़िंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए, इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटेग्रेटेड नहीं था, मिलियंस ऑफ हिंदूज educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता। ये क्या बात हुई? तो जो टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ये सब इंडिया आ रहे हैं और बैरून मुल्क रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तान इंडियन जो हैं वो इंडिया आके दोबारा अपने ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि हिंदू निकल रहे हैं, भाई मैं आप पे कुर्बान जाऊं। सो
अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें, चांद पे रोवर उतारा है, ये ख्याल रहे, मार्स की बात नहीं हो रही है, चांद की बात हो रही है जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत की भारत में तरक्की और डेवलपमेंट के लिए, ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। अगला प्रधानमंत्री भारत का जैद हामिद उर्फ लाल टोपी वाला होना चाहिए, क्योंकि जितनी चिंता इनको है 80 करोड़ लोगों की, और जो इकोनॉमिक प्लान ये देंगे आपको, रेल की पटरी से लेकर आपको आसमान पे पहुंचाएंगे, यही बंदा है। सो इट्स नॉट समथिंग, लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया, हमारे यहाँ भी तो गुरबत है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये क्या कहा था मैंने कि इंडियन ने सब आर्टिफिशियल किया है, झूठ बोला है, सीजीआई ग्राफिक्स हैं, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी में इंडियंस बहुत आगे। फैक्चुअल मैटर है, उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था, वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। कौन सा रॉकेट? गुड क्वेश्चन। हम, वी आर द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू सेंड अ रॉकेट इन टू स्पेस। Even we were ahead of China. We were ahead of China. साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे। पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री, लेकिन माजी में तो अब नहीं रह सकते ना। वो अर्ज कर रहे हैं बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस, इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज्यादा है, वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज्यादा डेवलप। सुभान अल्लाह, सुभान, स्पेस मिशन बहुत आगे, सीजीआई ग्राफिक नहीं है, अब स्पेस मिशन बहुत आगे, टेक्नोलॉजी बहुत आगे, बजट बहुत आगे, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है, ठीक है, तो वो झूठ था, ये ठीक है। एक ही वक्त में, एक ही शो में, 5 मिनट के बाद आपके जो एंगल चेंज हो रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि आपसे बड़ा रियलिस्टिक सच्चा इंसान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, आप पे एक बार फिर कुर्बान होने को दिल चाहता है। लेकिन क्या वो चांद पर लैंड किए हैं, अभी मुझे इस पे डाउट है। हाँ, डाउट है, सबूत दें आप इनको, जब तक ये सबूत नहीं देंगे मैं भी नहीं मानूंगा, आप मेरा वो पिछला प्रोग्राम कैंसिल समझा जाए, ये नया वाला प्रोग्राम ये सही है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में, G7 में अपना स्टैचू बड़ा करने के लिए एक, यानी कि जो G20 के जो बात हो रही है मुल्क, वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको वो इनकी CGI ग्राफिक्स की बुनियाद पे इंडिया को G20 में एंट्री दे देंगे। इस इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस, बिकॉज मजाक इनका बनेगा, क्योंकि ये F-16 मार के गिराते हैं, दुनिया में किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, इवन अमेरिकन ने भी कहा कि यार F-16 तो पूरे पाकिस्तान के पास, इन्होंने वीर चक्कर दे दिया, मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस। सो मून लैंडिंग इज ऑल्सो हिलेरियस स्टंट, मजाइया काम है, बहुत मजाइया, बहुत, तुसी बड़े मजाकिया हो, तुसी बड़े मजाकिया हो। तो सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये जो हम मीडिया पे बैठ के, इतने बड़े नेशनल मीडिया पे बैठ के जिस तरह का मजाक ना सिर्फ अपना बनाते हैं बल्कि अपनी कंट्री का भी बनाते हैं, तो पहले तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमने कैसे चुगत लोगों को, कितने इडियट लोगों को अपने रिप्रेजेंटेशन और तर्जुमानी के लिए चुना है, कि जो जो बात करते हैं उस बात पे कायम भी नहीं रह सकते और उस बात को तरदीद कर देते हैं। इंडिया चंद्रयान 3 गया नहीं गया, ये अगर आपने सीखना है तो आज का वीलॉग इसको संभाल के रख लीजिए और इसको लेकर आगे बढ़िए। ये जो मीडिया पे जो बातें आती हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आएँ चाहे इंडिया की तरफ से आएँ, तो आप यकीन करें कि बाज़ औक़ात हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इसी तरह की एक और वीडियो है जो मैं आपको दिखाऊँगा, ये पाकिस्तान के लिए है और इसका भी मेरे पास जवाब नहीं है। मैं आपको भारत के पिछले 5 आर्मी चीफ जो अभी हैं जनरल मनोज पांडे, उनके पहले की 5 आर्मी चीफ्स के बारे में बताता हूं, उनकी लोकेशन बताता हूं। ये क्यों बता रहे हैं मेजर साहब? ये जरा समझने वाली बात है कि ये कह रहे हैं कि इंडिया के पिछले 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये लोकेशन बताने जा रहे हैं। क्यों बताने जा रहे हैं मुझे नहीं पता, आगे चल के देखते। उनके पहले थे जनरल मनोज मुकुंद नरावने, जनरल नरावने का लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिपिन रावत जो वीरगति को प्राप्त हो गए, लोकेशन ऊटी तमिलनाडु इंडिया। उनके पहले जनरल दलबीर सिंह सुहाग, लोकेशन नई दिल्ली।
उनके पहले जनरल विक्रम सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लोकेशन चंडीगढ़। उनके पहले जनरल विजय कुमार सिंह, लोकेशन नई दिल्ली। ये हमारे इनके पहले जनरल मनोज पांडे जो करंट आर्मी चीफ है, इनके पहले जो पांच थे उनकी ये लोकेशन। ठीक है पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं अपने पांच, अभी जनरल आसिम मुनीर से पहले जो पांच आर्मी चीफ है उनकी लोकेशन बताओ। पता नहीं है। पहली लड़ाई होती है ना फौज की, वो इखलाक की होती है, वो लड़ाई तुम हार चुके हो। तुम्हारी फौज अजीम होती तो तुम्हारी फौज के सरबरा पाकिस्तान में जीते, पाकिस्तान में मरते। ऐसा नहीं कि जब तक फायदा चल रहा हो, जब तक बड़ी बड़ी गाड़ियां घोड़े लश्कर गाजा बाजा सब तुम्हारे साथ हो, प्रोटोकॉल तुम्हारे साथ हो, तब तो तुम पाकिस्तान में हो। और जिस दिन ये सब हटा तो बोला चलो लंदन, चलो फ्रांस, चलो इटली, चलो फलाना, चलो ढिमका। क्यों बुरा लगता है पाकिस्तान में? हमारे जनरलों के पास तुम्हारे जनरलों जैसे अय्याशी के पैसे नहीं है, काला पैसा नहीं है उनके पास। तीन तीन बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं। मैंने जनरल बिपिन रावत का घर दिखाया जाके। अब मैं क्या जवाब दूं इसका? किसी के पास कोई जवाब है? मेरा तो ख्याल है कि नहीं है। अब वो जो हमारे चार पांच जनरल हैं वो कहीं ओवरसीज चले गए हैं, उनके बच्चे अच्छे पढ़ते होंगे, वो उनका अब हम अपने अब बच्चों के पास जा रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं तो ज़ाहिर है बच्चों के साथ ही रहेंगे, तो ये वजह भी हो सकती है मेजर साहब, और कोई और वजह भी हो सकती है। तो ये कोई कंपैरिजन हुआ या नहीं हुआ इसका जवाब मेरे पास नहीं है। कोई अगर देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है, कोई जैद हामिद साहब के बारे में या उनके सवालात का कोई जवाब दे सकता है वो भी ज़रूर दे, क्योंकि वो उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपको एविडेंस देना होगा। मैं तो दिल चाह रहा है ये विलॉग शिलॉग और ये एंकरिंग करना छोड़ दूं और यही बोलूं कि मुरझाए हुए फूलों की कसम इस देश में फिर ना आऊंगा। विलॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, सलामत रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी।